दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर में शुक्रवार को रक्षा अध्ययन विभाग में नौसेना दिवस पर विशेष व्याख्यान आयोजित किया गया। इस दौरान आयोजित विशेष व्याख्यान में बतौर मुख्य अतिथि दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के पूर्व प्रतिकुलपति प्रोफेसर हरीश शरण मौजूद रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता विज्ञान संकाय के डीन प्रोफेसर सुग्रीव नाथ तिवारी ने किया। इस संबंध में कार्यक्रम रक्षा एवं स्ट्रेटेजिक अध्ययन विभाग के अध्यक्ष प्रोफेसर हर्ष कुमार सिन्हा ने बताया कि आज के दिन वर्ष 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध में भारतीय सेना द्वारा प्राप्त विजय का उल्लेख करते हुए कहा कि सामयिक विषयों पर विशिष्ट व्याख्यान श्रृंखला में आज का आयोजन भारतीय नौसेना की क्षमताओं और चुनौतियों का आकलन करना है। इस विशेष व्याख्यान में विश्वविद्यालय शिक्षक संघ अध्यक्ष प्रोफेसर विनोद कुमार सिंह, प्रोफेसर प्रदीप यादव, प्रोफेसर श्रीनिवास मणि त्रिपाठी, डॉक्टर प्रवीण सिंह, डॉक्टर जितेंद्र कुमार, डॉक्टर आरती यादव, डॉक्टर विजय कुमार के साथ विभाग के शोध अध्येता एवं विद्यार्थी मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए प्रोफेसर हर्ष सिन्हा ने कहा, और इस बात पर बहुत लंबी चौड़ी बात मैं नहीं करूंगा, सिर्फ आपके सामने एक विषय रख रहा हूं, जिसका आप जब विश्लेषण करेंगे हमारी उत्तरी सीमाओं की रणनीतिक पोजीशन और हमारी जो कब्जा था उस स्थिति को बदलने की हर चंद कोशिश अभी भी कर रहा है। निर्णायक किस्म का हमला करेगा, ये खतरा अभी टला नहीं। लेकिन आखिर क्या वजह है, आपको याद हो तो हमारे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ने एक वक्तव्य में ये बात कही थी कि चीन लड़ाई कहीं से शुरू कर सकता है, लेकिन रिसोर्स पर्सन जो मौजूद हैं उनसे हम लोग सुनेंगे, वो उनकी विशेषज्ञता का क्षेत्र है, उनकी इस विषय पर किताब को रक्षा मंत्रालय का प्रथम पुरस्कार मिला था, आप सभी जानते हैं हिंद महासागर पर जो उनकी किताब है। आज का दिन 4 दिसंबर नौसेना दिवस के रूप में मनाया जाता है, जिसके बारे में आप सभी परिचित हैं कि क्यों मनाया जाता है, अभी आपको विभागाध्यक्ष महोदय ने बताया भी। इस विशिष्ट व्याख्यान के लिए मुझे इस विभाग ने आज अवसर दिया, मैं विभाग के सभी शिक्षकों और इस विभाग के प्रति बहुत आभार व्यक्त करता हूं। 4 दिसंबर नौसेना दिवस के अवसर पर जिस विषय का चुना गया है, समकालीन सामुद्रिक चुनौतियां, भारतीय नौसेना, ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, क्योंकि जिस जल क्षेत्र में हमारा देश स्थित है, उस जल क्षेत्र और उससे लगे हुए और दूसरे क्षेत्रों में भी लगातार इस तरह की रणनीतिक गतिविधियां हो रही हैं, जिससे ऐसा प्रतीत होता है कि ये पूरा क्षेत्र, जल क्षेत्र जो एक बहुत बड़ा जल क्षेत्र है, जिसको कि इंडो पैसिफिक हिंद प्रशांत जल क्षेत्र के नाम से कहा जा रहा है, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण जल क्षेत्र विश्व का बन गया है। दूसरे अन्य किसी जल क्षेत्र का, जिसमें ट्रांस एटलांटिक वगैरह का है, फिर आपके आर्टिक की तरफ का है, या केवल पैसिफिक का जितना महत्व नहीं है, उतना सबसे ज्यादा महत्व जो है इंडो पैसिफिक रीजन का है, जिसमें हिंद महासागर और पश्चिमी प्रशांत महासागर का क्षेत्र आता है, मुख्य रूप से आता है, और इसमें इतनी रणनीतिक गतिविधियां हो रही हैं जिसको देख के ही ऐसा लगता है कि चुनौतियां हैं। और इस दोनों क्षेत्र के बीच में जो एक बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्र है हम लोगों के देश का, जो है उसकी सुरक्षा, राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए, उसके विकास के लिए आवश्यक है कि हमारे पास उस तरह की सामुद्रिक शक्ति हो, और सामुद्रिक शक्ति के साथ साथ नौसैनिक शक्ति हो, जिससे हम एक तरफ विकास भी के लक्ष्य को प्राप्त कर सकें और दूसरी तरफ अपने राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित राष्ट्रीय हितों की सुरक्षा पूरे क्षेत्र में कर सकें। इसकी वजह से ये इंडो पैसिफिक का रीजन बन गया, क्योंकि इंडिया जो है वो इंडियन ओशन की तरफ है, और पैसिफिक ओशन जो पश्चिमी प्रशांत महासागर है, उधर का पावर चीन है। प्रोफेसर हर्ष कुमार सिन्हा, विभागाध्यक्ष रक्षा अध्ययन विभाग। रक्षा और स्ट्रैटेजिक अध्ययन विभाग दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय समय समय पर जो समकालीन महत्व के विषय हैं, खासतौर पर राष्ट्रीय सुरक्षा का, उसके बारे में विशिष्ट व्याख्यान आयोजित करता है।
आज नौसेना दिवस है। आज ही के दिन 1971 के युद्ध में भारतीय नौसेना ने पाकिस्तान के खिलाफ एक निर्णायक कराची में कार्रवाई की थी और हर वर्ष इसी के स्मृति में ये नौसेना दिवस मनाया जाता है। आज भारतीय सामुद्रिक चुनौतियां क्या हैं, खास तौर पर इस समय में जो चीन के साथ संघर्ष हमारा है या महाशक्तियों के साथ, इस विषय पर एक विशिष्ट व्याख्यान का आयोजन किया गया है जिस पर इस विषय के एक्सपर्ट और इस विश्वविद्यालय के पूर्व प्रतिकुलपति, इस विभाग के पूर्व अध्यक्ष प्रोफेसर हरिशरण जी का व्याख्यान है। सर, इस दौरान बच्चों को कुछ संदेश भी दिया जाता है? जी, एक तो इस व्याख्यान के जरिए उनको ये बताया जाएगा कि भारत की इस समय की समकालीन सामुद्रिक चुनौतियां क्या हैं, किन खतरों का हम सामना कर रहे हैं और उससे निपटने के लिए भारत के क्या प्रयास हैं, क्या तैयारियां हैं। दूसरा, ऐसे व्याख्यानों के बाद हम लोग परंपरागत रूप से उन बच्चों के साथ एक एक्सरसाइज करते हैं, उनको कुछ इस व्याख्यान से जुड़े छोटे प्रश्न देते हैं और उसका उत्तर देकर ये समझने की कोशिश करते हैं कि ये व्याख्यान उनके लिए कितना उपयोगी और प्रभावी रहा। सर,